हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पिपरमिया प्लांट। पिपरमिया प्लांट की एक वैरायटी वाटर मेलन। पिपरमिया प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट है। उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पिपरमिया प्लांट हाउस प्लांट है। उसको वेल्डन सोयल पसंद है, ह्यूमिडिटी पसंद है, आप उसको इंडोर रख सकती है, साव प्लेस में रखना चाहिए उसको, धूप नहीं चाहिए। धूप देने से सिर्फ कम टाइम के लिए आप धूप में दे सकती है, लेकिन दिन भर धूप में नहीं देना चाहिए उसको। मैंने साउंड प्लेस में रखती हूँ उसको, लेकिन विंटर सीजन आ गई है और मेरी प्लांट में, मेरी बालकनी में सन का रोशनी आती है, इसलिए उसका लीफ थोड़ी सी लाइट हो गई है, लेकिन उसका लीव्स एवरग्रीन है। उसका सॉइल मॉइस्ट होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कैसे केयर करके करती हूँ वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने इसमें दिया है सैंड सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। आप रोज उसको फर्टिलाइजर देने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैंने जब उसको प्रोपेगेट किया था तभी मैं इसमें खाद दिया था, लेकिन ऑर्गेनिक खाद दिया था, लेकिन मैंने केमिकल फर्टिलाइजर आज तक नहीं दिया है। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर भी नहीं देती हूँ, लेकिन उसका लिप ऐसे ही साफ करके रहना चाहिए उसका लिप्स, क्योंकि एवरग्रीन प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। उसका लिप देखने के लिए वाटर मेलन जैसे मैंने उसको साव प्लेस में रखती हूँ। जब तक उसका सॉइल सूख नहीं जाती तब तक इसमें पानी नहीं देना चाहिए। मैंने 3-4 डेज बाद पानी देती हूँ, जब उसका सॉइल सूख जाती है तब मैंने इसमें पानी देती हूँ। आप डेली पानी देने से उसका ब्रांच, उसका लीफ खराब हो जाएगी। ऐसे ही केयर करते रहिए, साउंड प्लेस में रखिए, आप इंडोर में रख सकती है। मैं इस प्लांट घर में लाना 1 साल हो गई है, बहुत बड़ी हो गई थी, एक ही पॉट में था, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले उसको प्रोपेगेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, बड़ी हो गई थी, पूरे पॉट फैल गया था, बड़ी हो गई थी, इसीलिए मैंने प्रोपेगेट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में उसको कैसे ग्रो करना चाहिए, कैसा सॉइल चाहिए, सभी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसको कैसे ग्रो करना चाहिए, उसका लिप से ही ग्रो होती है, उस लिप से रूट आ जाएगी, रूट आती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मिलूँगी। आज के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।